अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब के बारे में, मीन डाटा एंट्री जॉब फ्रॉम होम। घर पे बैठ के आप रिमोटली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं डाटा एंट्री की जॉब से। इस वीडियो में जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊँगी, यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड कौन कौन से जॉब्स मिलेंगी, उसके अलावा ये वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा जी, बात हम करते हैं हम जी डाटा एंट्री जॉब के बारे में। डाटा एंट्री जॉब जो है मैं हमने गेन करनी है, उस प्लेटफॉर्म का क्या नेम है जी, उसका नेम है जी करियर get.com। ठीक है जी, वो ये इस प्लेटफॉर्म का जी नेम है, ऐसे ये रिडायरेक्ट भी हो जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ, यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे करियर जेट तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी जी, ये वाली करियर जेट डॉट पी के। तो इस वेबसाइट को जो है ना वो ओपन नहीं आपने करना, आपने इसको ओपन करना है करियर जेट डॉट कॉम, ये पी के वाले पे आपने क्लिक नहीं करना। तो यहां पे मैं लिखूंगी डॉट कॉम, आप जैसे मैंने लिखा करियर जेट डॉट कॉम जॉब्स एंड करियर इन यूएसए, यहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी जो यूएसए में है। मतलब आप घर पे बैठ के रिमोटली डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं, यूएसए की जॉब गेन कर सकते हैं घर बैठ के। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मूव ऑन किया स्कैम एडवाइजर की तरफ, वहां पर हमने इसका ट्रस्ट लेवल देखा। ठीक है जी, करियर जेट डॉट कॉम सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं इसका ट्रस्ट रेट जो है ना वो हाई है और ट्रस्ट स्कोर जो है ना वो 100/100 है। इट्स मीन कि ये वेबसाइट जो है ना ये ट्रस्ट वर्थी है। अच्छा, अब हम लोग इस वेबसाइट को जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, करियर जेट सर्च जॉब पोस्ट जॉब। अच्छा, आप यहाँ पे जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जी है अपना रिज्यूमे जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट योर रिज्यूमे मीन आप यहाँ पे अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एक डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट के तौर पर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ, आप जो भी अपना सीवी क्रिएट करें उसमें आप अपनी डिग्री को तो मेंशन करें, लेकिन आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा मेंशन करें जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं ये आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ना वो आपका सीवी देकर आपकी स्किल्स देकर आपका एक्सपीरियंस देकर आपसे कॉन्टैक्ट करती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे ऐसे क्रिएट करें जैसे डेटा एंट्री का स्पेशलिस्ट होता है उसको ऐसे डील करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट एंड वेयर, ये बात आपको बताती जाऊँ। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का फिल्टर लगाकर जॉब गेन कर सकते हैं, मीन आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, जॉब टाइटल, कीवर्ड्स और कंपनी, अब जिस कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपने किस कंट्री में है जो यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ जी डाटा एंट्री की। अब यहाँ पे मुझे चार कीवर्ड्स मिले हैं डाटा एंट्री सेटिंग, डाटा एंट्री असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑफिस, डाटा एंट्री होम पार्ट टाइम, डाटा एंट्री इंग्लिश। अब यहाँ पे कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो यूएसए। ठीक है, तो मैंने सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, 70,000 प्लस जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो यूएसए की जॉब है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं डाटा एंट्री क्लर्क, यहाँ पे एक जॉब पोस्ट की हुई है, ये कंपनी का नेम है, ये न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे जॉब सिखाती हूँ जो डाटा एंट्री की हैं। उसके बाद डोनर रिलेशंस एंड डाटा सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक जॉब का टाइटल है, उसके लिए आपको $20 पे किया जा रहा है पर और घंटे के हिसाब से। नेक्स्ट,
डेटा एंट्री एंड कस्टमर सर्विस न्यूयॉर्क की जॉब है, आपको $17 से $28 पे किया जा रहा है पर आवर के हिसाब से। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट है, उसको यहाँ पे $16 पे किए जा रहे हैं पर आवर के हिसाब से। उसके बाद डेटा एंट्री की यहाँ पे जॉब है जी, टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट्स अर्न 3,000 to 5,000 rupees पर डे। डेटा एंट्री टेक्नीशियन, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, डेटा एंट्री 100% रिमोट वर्कर, डेटा एंट्री 100% रिमोट डेटा एंट्री 19 प्लेसेस, डेटा एंट्री क्लर्क। तो यहाँ पे आपको सारी जॉब्स जो है ना वो डेटा एंट्री से रिलेटेड मिलेंगी। आप नेक्स्ट पेज करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे भी डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जी कुछ फिल्टर अप्लाई करने हैं। आपको यहाँ पे जॉब मिलेंगी रिमोट वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क फ्रॉम होम रिसर्च, मेडिकल स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एंट्री लेवल रिमोट डाटा एंट्री, इन्वेंटरी स्पेशलिस्ट और पैकेजिंग स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स में भी आपको जॉब जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस तरह ये सेकंड कीवर्ड है, इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी, जिसपे आप देख सकते हैं। एक फिजिशियन चाहिए, फिजिशियंस रेवेन्यू साइकिल बिलिंग रिप्रेजेंटेटिव हाइब्रिड रिमोट, आपको $21 से $25 पे किया जाएगा पर आवर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद रिमोट डाटा एंट्री जॉब, रिमोट वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री टाइपिंग जॉब, ठीक है जी। हम इनकी डिटेल्स बाद में देखते हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किन किन कीवर्ड्स पे आप क्लिक करके डाटा एंट्री की जॉब्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद एक एंट्री लेवल रिमोट डाटा एंट्री, यहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी जी डाटा एंट्री की। आप देख सकते हैं रिमोट डाटा एंट्री, एंट्री लेवल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, एंट्री लेवल डाटा मैनेजमेंट असिस्टेंट डाटा एंट्री जॉब। अच्छा जी, यहाँ पे आपको सारी जॉब्स जो है ना मिल जाएगी। अभी हम किसी एक को एक्सप्लोर करके देखते हैं। लाइक जिस यहाँ पे है रिमोट डाटा एंट्री वर्क, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बता दें, यहाँ पे आप कंट्रीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रही हूँ, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप काम विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीन बगैर एक रुपया लगाए आप काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी यूएसए में, कैलिफोर्निया, टेक्सी, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क वगैरह से रिलेटेड जॉब मिलेगी। उसके बाद अप्लाई इजिली, ओनली विद अप्लाई इजिली। अब यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी परमानेंट, टेम्परेरी, ट्रेनिंग या कॉन्ट्रैक्ट पे। वर्किंग आवर्स आप देख सकते हैं कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनीज भी मैंशन है जो डाटा एंट्री की जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक जॉब है जो पोस्ट हुआ 20 hours, वो यहाँ पे पोस्ट हुआ, हम इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इस जॉब्स का या इस प्लेटफॉर्म का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है कि जॉब परमानेंट है, फुल टाइम जॉब करनी है आपने, और पोजीशन की समरी क्या है, बेसिक डाटा एंट्री क्लर्क, वांटेड वर्क फ्रॉम होम 25 words per minute, ठीक है जी, 25 words per minute। तो उसके बाद आपने वी आर लीजेंड वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री जॉब्स आर गोइंग टू रिक्वायर दैट यू हैव स्किल रेलेवेंट टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द पोजीशन, आप कंप्यूटर विद इंटरनेट एक्सेस। अब यहाँ पे आप अप्लाई करें, यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, कंप्यूटर होना चाहिए विद इंटरनेट एक्सेस, क्वाइट वर्क स्पेस अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मस्ट बी एबल एंड कंफर्टेबल टू वर्किंग एनवायरमेंट, अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक्सपीरियंस इज नॉट नीडेड बट कैन बी बोनस। अब यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ सकते हैं। उसकी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि क्लाइंट अपनी सारी डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लेता है कि भाई जो भी फ्रीलांसर यहाँ पे अप्लाई करे वो मेरी सारी बेसिक्स पढ़े, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब की, कि मुझे कौन सा फ्रीलांसर चाहिए, फिर उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ ले। क्वालिफिकेशन में उसने सब चीज़ें मेंशन कर दी, ऐसे कोई इतनी मिलकर क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की, उसने बस ये बताया है कि उसके पास इंटरनेट एक्सेस होने चाहिए, उसको थोड़ा जो है वो इंटरनेट का पता होना चाहिए, और मस्ट बी एबल एंड कंफर्टेबल अबिलिटी टू रीड, पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, और फॉलो ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद उन्होंने बताया जी बेनिफिट्स आपको क्या दिए जाएंगे वो आप देख सकते हैं, अर्न पार्ट टाइम इनकम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, वर्क ऑन योर टाइम, यू वर्क व्हेन यू वांट, मतलब आप जब चाहे अपने स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ पे काम कर सकते हैं। लर्न न्यू स्किल्स, गेट एक्सेस टू डिमांड वर्क फ्रॉम होम जॉब, नो ड्रेस कोड, वर्क इन योर वर्क इन सूट यू चूज।
अच्छा अब यहाँ बात यहाँ पे हुआ बताती जाओ, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के ना दो मेथड मिलेंगे। एक तो ये होगा जो भी फ्रीलांसर यहाँ पे जॉब एडवर्टाइज करेगा ना, वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देगा। आप यहाँ पे जैसे वो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करेंगे, जिसका अप्लाई वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो रीडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे जहाँ पे ये पोस्ट आई है, जहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आई है। या फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपने जो है वो फिलअप करना होगा। लाइक जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे दो तरीके होते हैं अप्लाई करने के। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म नजर आएगा जहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है, अपना सरनेम लिखना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना फोन नंबर देना है, उसके बाद आपने अपना जो है यहाँ पे एक रिज्यूमे जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है जी। योर रिज्यूमे आपने यहाँ पे अपने क्या करना है, रिज्यूमे अपलोड करना, और आपने कंटिन्यू पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये था एक जैसे कि जॉब अप्लाई करें तो कोई जॉब जो है ना एक फॉर्म ओपन कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन बाजू का बहुत में ऐसा भी होता है, हम कोई देख लेते हैं ओपन करके, जिसमें वो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। तो हम देखते हैं, ये भी एक जॉब है, तो हम देखते हैं ये रीडायरेक्ट करता है कि नहीं करता अपनी वेबसाइट की तरफ। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब ये कंपनी का जो है उन्होंने यहाँ पे इनकी जो कंपनी है वहां से कंपनी से ही उसको यहाँ पे रेफर कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, एक फॉर्म फिलअप होगा वो आपने फिलअप करना होगा, सेकंड ये है कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उस वेबसाइट पे जहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आई होगी। तो सिंपल आपको ये सब चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। आपने यहाँ पे अप्लाई टू पोजीशन यूज माई इनडेड रिज्यूम और अप्लाई यूजिंग लिंक्डइन, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना रिज्यूमे अपलोड करके इनडेड रिज्यूमे से, और अपना लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई टू पोजीशन पे क्लिक करके भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको लगेगा कि ये जो फ्रीलांसर है वो कॉम्पिटेंट है, इसका आपका सीवी चेकआउट होगा, आपका जो है वो एक्सपीरियंस चेकआउट होगा, आपकी जो है वो एक्सपर्टीज चेकआउट होंगी, उसके बाद ये जो क्या करेंगे आपको यहाँ पे हायर कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा, जैसे आप उनके अप्लाई नाउ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क हिस्ट्री, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस समरी और एक कवर लेटर। अच्छा बात ये आती है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कवर लेटर की समझ नहीं आ रही कि हम कवर लेटर कैसे लेके डेटा एंट्री जॉब के लिए, तो सिंपल उसके लिए एक सोल्यूशन है जी, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप कवर लेटर राइट डाउन करवा सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कवर लेटर फॉर डेटा एंट्री जॉब, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे कवर लेटर जो है ना वो मिल गया है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से एक कवर लेटर जो बन गया उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, थोड़े चेंजेस कर लेनी है। लाइक जैसे जो भी कंपनी अप्लाई कर रहे हैं आप उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डाटा एंट्री पोजिशन, जो भी पोजिशन में अप्लाई करना वो एज एडवर्टाइज इन विद माई एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स वगैरह। एक प्रोफेशनल कवर लेटर आपको यहाँ पे क्रिएट कर देगा चैट जीपीटी, और आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं थोड़ी चेंजेस करके। लाइक जैसे यहाँ पे कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ठीक है, सब चीजें आपने यहाँ पे शेयर करनी है, ठीक है, और वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, पेस्ट कर सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। और ये जो क्लाइंट्स है वो आप देखिए कि आपका सीवी जो है ना वो कंपिटेंट है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल। इसलिए जब भी आपसे फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो आपसे आपका ईमेल एड्रेस लाजमी पूछे, यहाँ पे पूछा गया है। तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।